स्वागत है आप सबका मिस्टीरियस रोज के एक और नए और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। आप में से बहुत से लोग गौरव तिवारी के बारे में तो जानते ही होंगे। जो लोग उन्हें नहीं जानते उनको मैं बता दूं, गौरव तिवारी इंडियन पैरानॉर्मल रिसर्च के फाउंडर और CEO थे। उन्होंने अपने करियर में 6000 से भी ज़्यादा पैरानॉर्मल प्लेसेस को विजिट और इन्वेस्टिगेट किया था। गौरव अपने करियर में टॉप पे चल रहे थे, तभी अचानक से 7 जुलाई 2016 को उनकी मौत की खबर आती है। लेकिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के माने गौरव तिवारी की मौत बेहद ही मिस्टीरियस थी। आज के हमारे एपिसोड में हम गौरव तिवारी जी के मिस्टीरियस डेथ के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गौरव का जन्म 2 सितंबर 1984 में हुआ था। अपने बचपन के एक किस्से ने उन्हें पैरानॉर्मल सोसाइटी की तरफ अपना करियर बनाने को चाहा। उम्र के 17 साल से ही उन्होंने पैरानॉर्मल प्लेसेस को इन्वेस्टिगेट करना चालू कर दिया था। उन्होंने अपने करियर में 60,000 से भी ज़्यादा पैरानॉर्मल प्लेसेस को इन्वेस्टिगेट किया था। उसमें से एक जगह थी भानगढ़ का किला। गौरव और उनकी इन्वेस्टिगेशन के माने भानगढ़ का किला कोई पैरानॉर्मल प्लेस नहीं थी। साथ ही गौरव MTV नाइट आउट, घोस्ट टाइम जैसे भूतिया शोज भी कर रहे थे और साथ ही साथ मशहूरता भी बटोर रहे थे। गौरव ने अपने करियर में कई TV इंटरव्यूज भी दिए, साथ ही साथ पैरानॉर्मल वर्ल्ड को भारत में इंट्रोड्यूस भी करवाया। गौरव की शादी जनवरी 2016 में हुई थी और वे अपने पिता और पत्नी के साथ रहते थे। खैर, ये थे उनके करियर और लाइफ के बारे में कुछ बातें। सन 2016 के जुलाई महीने में गौरव ने दिल्ली के एक पैरानॉर्मल प्लेस को इन्वेस्टिगेट किया था। गौरव उनकी पत्नी को दिल्ली के पैरानॉर्मल प्लेस के बारे में बताते थे कि वहाँ पर बेहद ही शक्तिशाली शैतानी ताकत है जो कि उनके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है। इसी बात को लेकर गौरव और उनके पत्नी के बीच कई बार बहस होती थी कि गौरव ये सब छोड़कर एक आम जिंदगी जिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, ऐसे वीडियो को लाइक और शेयर करने की और साथ ही साथ मिस्टीरियस रोज को सब्सक्राइब करने की। 7 जुलाई को जब गौरव बाहर से आकर नहाने चले गए, तभी बाथरूम में उनके गिरने की आवाज़ आई। जब अंदर से दरवाज़ा नहीं खोला, तब उनकी पत्नी और उनके पिता ने दरवाज़ा तोड़कर उन्हें देखा तो वे ज़मीन पर बेहोश गिर पड़े थे। बाद में उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। गौरव के शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे, पर उनके गले पर एक काली सी लाइन बनी थी और वही काला निशान गौरव की मौत को मिस्टीरियस बनाता है। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के माने गौरव की मौत सांस न लेने की वजह से हुई थी। गौरव के माने अगर कोई भी इविल डेमोनिक शक्ति आपके ऊपर हमला करती है तो वो गले पे करती है और उसका निशान काला बन जाता है। मौत के 2 महीने से पहले से ही वे एक निगेटिव शक्ति को महसूस कर रहे थे, ऐसा वो अपनी पत्नी को बताते थे। मिस्टीरियस रोज का मानना है कि प्रीवियस एविडेंस और उनकी जानकारी के भरोसे उनकी मौत की वजह कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होगी। मिस्टीरियस रोज गौरव तिवारी को नमन करता है। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई अन्य सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट के द्वारा साझा कर सकते हैं। तब तक स्टे मिस्टीरियस, स्टे सेफ।